हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर से एज यू हैव केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्वों की, और हमने यहाँ पर 17वें वर्ग तक के जितने तत्व थे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात कर चुके हैं। पी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। अब पी ब्लॉक का जो लास्ट जो वर्ग है हमारे पास में वो बच रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं 18वां वर्ग बोल सकते हैं, या शून्य समूह वर्ग जिसको हम बोल सकते हैं, या 8A वर्ग इसको बोल सकते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों देखो, इसका दूसरा नाम क्या क्या हो जाएगा। वर्ग जो 18 है इसको हम बोल सकते हैं शून्य समूह वर्ग, शून्य समूह बोल सकते हैं। इसका अक्रिय गैस वर्ग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अक्रिय गैस वर्ग, क्योंकि इस वर्ग में सभी की सभी जो गैसें होंगी वो सारी की सारी कैसे होंगी? अक्रिय होंगी। अक्रिय का मतलब वो होता है कि जो गैस हमारे आसपास वातावरण में स्थायी रूप से पड़ी रहे, आसानी से रहें और किसी से वो क्रिया ना करें, ठीक है, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? अक्रिय गैस कहलाएंगी। और अगर वो क्रिया करते भी हैं तो उनके लिए एक अलग से कंडीशन होती है, शर्त होती है, अलग से तापमान होगा, अलग से दाब होगा बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होगा NH2NP6, और इसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 6, 2, 8। कितने हो जाएंगे बच्चों? 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं आपके पास में। ये पी ब्लॉक का लास्ट वर्ग पढ़ रहे हैं, हमने पी ब्लॉक में यहाँ पर 6 वर्ग की बात की है, 5 का जन्म कर चुके हैं बच्चों, और लास्ट जो हमारे पास में बच रहा है वो बच रहा है कि अक्रिय गैस वर्ग। मतलब इसमें जितने भी आपके पास में जो तत्व होंगे वो सारे गैस अवस्था में पाए जाएंगे, ठीक है। और हमने अगर बात की थी स्टार्टिंग में कि आवर्त सारणी में 11 तत्व होते हैं जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, और 6 तत्व जो होते हैं हमारे पास में द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी बच गए 95 तत्व वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें कौन कौन से तत्व होंगे तो तत्वों की बात करते हैं। यहाँ पर जो होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने हीलियम क्यों नहीं लिखा। चलो बच्चों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हीलियम। किसके बारे में लिख रहा हूँ? हीलियम के बारे में लिख रहा हूँ। अब हीलियम जो होता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है 2। कितना होता है बच्चों? 2 होता है। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की तो होगा 1s2। तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक का तत्व कहलाना चाहिए। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बच्चों क्या नहीं होता? NH2NP6 नहीं होता। मतलब कि ये है तो एस ब्लॉक का तत्व, लेकिन रखते किसको इसमें? पी ब्लॉक में रखते हैं, क्योंकि ये कैसा है? अक्रिय गैस है, इस वजह से इसको एक साथ अक्रिय गैस के समूह में रखा गया बच्चों। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन की बात करेंगे। तो बताओ यहाँ पर जो नियोन होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। ये सारे सारे क्या हो जाएंगे? इनके परमाणु क्रमांक हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं बच्चों। 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। अब आएगा जीनोन हमारे पास में। जीनोन में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 और 5p6। अब लास्ट बच गए हमारे पास में जो यहाँ पर जो गैस दी गई है रेडियम गैस दी गई है, तो इसकी बात करते हैं क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10,
4s2 4p6 4d10 और 4f14 f लोक के 14 तत्व भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके आगे क्या होगा, 5s2 5p6 5d10 6s2 और 6p6। ठीक है बच्चों, देखो वापस से देखते हैं कि वर्ग 18 के जो तत्व होंगे इनको हम शून्य समूह बोल सकते हैं, अक्रिय गैस वर्ग भी बोल सकते हैं, इनको 18 वर्ग में हम रखते हैं और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा NH2NP6 होगा। इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे आपके पास में, 8 होंगे। अब बात ये आती है सर इसको शून्य समूह या फिर आपने बोला अक्रिय गैस क्यों बोला, क्योंकि बेटा ये जितने भी सारे तत्व हैं सारे के सारे गैस होते हैं और ये जो गैस होती हैं ये किसी से क्रिया जल्दी से नहीं करती, मतलब कि ये आराम से रहेंगी, स्थायी रूप से रहेंगी, किसी से जल्दी से क्रिया नहीं करती, अक्रिय होती हैं। इस वजह से इसको क्या बोला, अक्रिय गैस समूह भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो भायतम कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, NH2NP6 तो 8 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक के तत्व होंगे सारे के सारे। तो देखते हैं यहाँ पर 2 2 6 6 तो कितने हो गया आपके पास में, 8। ये देख लो जिनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो भायतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जा रहे हैं आपके पास में, ये जा रहे हैं NH2NP6 में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 2 8 6 2 8। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे आपके पास में, 8 होंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, हमने एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात कर ली है, अब बाकी जो बातें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।